अभी तो ये जगह बहुत ही शांत लग रही है, लेकिन कुछ समय बाद ये बन जाएगी कबड्डी की रणभूमि। आज मैं आया हूं यू मुंबा के स्टार डिफेंडर से मिलने, सुरेंद्र नाडा। एरीगांव हरियाणा के सुरेंद्र नाडा ने कबड्डी की दुनिया में अपना सिक्का सिर्फ 25 साल की उम्र में जमा लिया है। प्रो कबड्डी लीग चोटी के स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंडर्स में उनकी गिनती है। अब 2015 में अपने आयरन ग्रिप में जीत को जकड़ लेने की ठान ली है। यू मुंबा की शान और टॉप डिफेंडर सुरेंद्र नाडा। Good to meet you, man. Hey, भाई, क्या ग्रिप है भाई? मान गया, मैंने सुना ही था आपकी ग्रिप के बारे में और आज थोड़ा सा देख भी लिया है। मैं आपके साथ आज ये पूरा दिन स्पेंड करने वाला हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी जो एजिलिटी और स्पेशली जो आपके ग्रिप के बारे में मैंने इतना सुना है, वो कैसे बनी और उसकी क्या सीक्रेट है? सर, आपको अभी करके दिखाने हैं, आपको बताते हैं कैसे। हाँ, पर मेरा एक अलग तरीका है आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपकी ये जो टेक्निक है इसको आजमाने का। बाहर जाके आपको मैं एक चैलेंज देने वाला हूँ और आपको वो करके दिखाना पड़ेगा। चलो चलो, ठीक है सर। जो आपकी स्पेशलिटी है उसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मैदान में। चैलेंज ये है कि आप पेड़ से बंधे होंगे। हाँ जी। और आपके हाथों में एक पोल होगा। बिल्कुल। पोल के ऊपर एक रस्सी बंधी होगी। हाँ। और उस रस्सी के दूसरे एंड पे कोई से खींच रहा होगा। बिल्कुल सर। आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको छोड़े ना और ये दिखा दें कि आपकी ग्रिप कितनी तगड़ी है। तैयार है? बिल्कुल तैयार हूँ। जो उसको खींच रहा होगा वो मेरे दोस्त है, छोटे से नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू। मिलना चाहते हो? बिल्कुल मिलना चाहता हूँ सर। कौन है बताओ? छोटू, छोटू वाले, छोटू टू। ये चैलेंज तीन स्टेजेस में होगा। पहले स्टेज में जब आप बंधे होंगे और आपके हाथ में पोल होगा, इनमें से सिर्फ एक उसे खींच रहा होगा। आपको पूरे एक मिनट तक उस पोल को पकड़ के रखना है, छोड़ना मत। बिल्कुल। दूसरे स्टेज में दोबारा आपको एक मिनट के लिए पोल पकड़ना है, लेकिन इस बार एक नहीं, वो दोनों एक साथ वो रस्सी खींच रहे हो। तीसरा स्टेज है जो इससे भी भयंकर है, लेकिन वो तब बताऊंगा अगर दूसरा स्टेज पार हो गया, जो मुझे लग रहा है होगा। मैं आपकी टीम में हूँ, मैं आपके लिए चेयर करूंगा। थैंक यू सर। चलो चलो। मैंने जब उन मस्टंडो को देखा तो मैंने थोड़ा डर तो लगा, लेकिन मन मानता कि इसको हरा सकता हूँ। सुरेंद्र, रेडी? रेडी। स्वप्निल, रेडी? रेडी। योर टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1, गो। खींच स्वप्निल, खींच। फर्स्ट स्टेज ओवर, वेल डन। छोड़ दो फर्स्ट चैलेंज, तो मुझे जो बहुत हट्टा कट्टा लड़का था उसी पे तरस आने पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल भी हिला नहीं पाया। सुरेंद्र, पहला स्टेज आपने क्रॉस कर लिया, ये दूसरा स्टेज है, दो लड़के हैं। आर यू रेडी? बॉयज रेडी? योर टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1, गो। ग्रिप ग्रिप ग्रिप, पैरों से भी ग्रिप बना के रखो, इसके आगे नहीं जा सकते आप। कम ऑन बॉयज, खींचो। कम ऑन, 10 seconds। कम ऑन सुरेंद्र, 5 seconds। 4, 3, 2, 1, यस। सेकंड स्टेज भी पार, वेल डन। सुरेंद्र भाई, पहले दो स्टेज कैसे लगे? बहुत मुश्किल थे। मजा आया? पर मजा तो है, मुश्किल से हुआ आज। तीसरा स्टेज बहुत भयंकर है, इट इज मैन वर्सेस मशीन। मैं आपको भी समझाता हूँ, ये है आपका ओपोनेंट, सुपरमैन वर्सेस मशीन। ये एक 350 सीसी की बाइक है, आपको इसको यहाँ से पकड़ना है। एक मिनट का टाइम है, पहले दो स्टेजेस की तरह। आर यू रेडी? हाँ, मैं रेडी सर। ऑलराइट, स्टार्ट योर इंजन। Ready? 3, 2, 1, go! Come on! Come on, yes! Oh, come on! Come on!
was truly impressive. He did not let the bike move, and this is a powerful bike. Asli mein ye jo grip hai, ye tagdi hai, aur us bande mein jaan hai. 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Yes, yes. Wow. मेरे को स्मेल आ रही है क्लच प्लेट की जलने की. आपने उसको जाने दिया? आपका हाथ कैसा है? जिसके बारे में मैंने सुना था वो अब मैंने आके आजमा लिया है. अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लगे कि ये कैसे हुआ. आपको सिखाता हूँ. उसका सिखाओगे? बिल्कुल सर. मैं समझ गया हूँ. आप जो जिस प्रकार के कोच हो ना, वो एक फिल्म थी द कराटे किड, उसमें मिस्टर मियागी पहले एक महीने जो कराटे किड है उसको सिर्फ उनकी गाड़ी साफ करवाते हैं. तो मुझे भी लग रहा है कि आप मुझसे पोछा लगाओगे. नहीं सर, नहीं, ये वो पोछा मारने के लिए नहीं, ये शकील है एक एंकल होल्ड के लिए. गांव में पहले ऐसे ही करते थे. बोरी उठाई सर. हाँ. और ऐसे किया और इसको पानी में डुबाया. ठीक है सर. और इस पर ऐसे ही करते रहना सर. इससे क्या होता है? इससे सर अपनी ग्रिफ मजबूत होती है. उससे एंकल होल्ड की एंकल छूटेगा नहीं बिल्कुल भी. ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल टाइट करके नहीं छोड़ना सर. हाँ बिल्कुल टाइट करके नहीं छोड़ना. जिम इसके आगे कुछ भी नहीं है सर. कितने टाइम करते हो आप ये? सुबह शाम करते हैं सर. पर तो हाँ रोज 100 बार तो कम से कम. मन तो मेरा कर रहा वर्करों पर, मेरे अभी फोरआर्म से मना कर दिया. देखो ना पूरे फुल पंप हो गए. देखो 10 बार और करो ना सर. क्या बार होगा? 10 बार तो कर सकते हो. 10 बार और. मेरे लिए चार भी नहीं कर सकते आपके क्या? आपके लिए कर रहा हूँ और किसी के लिए नहीं करूँगा. दो आपके लिए, दो मेरे लिए सर. सर एक बाकी रह गया. अब तो थोड़ा फास्ट करो सर. थोड़ा फास्ट करो. वेरी गुड सर जी. इससे मेरा ग्रिप अभी स्ट्रॉन्ग है हुआ है ये तो पता नहीं मुझे. चलो अभी करके देखेंगे, उसमें पता लगेगा. मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसको एक बार पकड़ो. मैं बता देता हूँ, आप इसको ऐसे करते रहो. एंकल होल्ड कैसे होता है? ऐसे ऐसे करते रहो और ऐसे इसको देख लो ध्यान से. मैं दोबारा नहीं बताऊंगा. ठीक है. ऐसे क्योंकि फिर छूट नहीं सकता. कितना ही आंगा लगा लो, आपकी मर्जी है. वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है. तो इसमें जो डिफरेंस है वो बाकी लोगों को भी पता लग जाए घर पे कि जब आपने मैंने ये कर लिया. यहाँ से ही पकड़ेगा तो क्योंकि अगर आप यहाँ से पकड़ोगे मैंने यहाँ से पकड़ लिया तो मैं स्लिप करके निकल बिल्कुल निकल जाओगे. तो एंकल होल्ड तभी होगा अगर परफेक्ट. तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन में क्या करते हो? रेड रहता है. कभी उसको ऐसे कर दिया, डोज दे दिया, फिर उसने जैसे ही बोनस किया मैंने ऐसे ही उठा लिया. अच्छा लगा. सिर्फ पकड़ा नहीं, पकड़ के उछाल दिया. पेडल को डिसबैलेंस करना पड़ेगा. अगर डिसबैलेंस नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या हुआ? 2-3 बारी मुझे ऐसी पटकियां पड़ी जितनी मेरे को अभी से पड़ी नहीं है. इट वाज नॉट ऑल फन एंड गेम्स एंड टेक्निक. आई थॉट टफ 1-on-1 सेशन था मेरे लिए. मुझे लगता है आज काफी हो गया मेरा प्रैक्टिस. आज काफी हो गया सर. आपके दोस्तों के साथ मेरे को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. रिलैक्सेशन नहीं करेंगे तो अगले दिन प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सही बात है. चले फिर. चलो. ये अपने अनु भाई अर्जुन अवार्ड एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रेडर और ये डिफेंडर मोहित चिल्लर, ये प्रदीप कुमार ऑलराउंडर. और तू तू क्या है भाई? कोच. ये कोच देख, नाथ मैदान है अदरक का स्वाद. कोच होता है. कबड्डी लिखवा रखा है ना गर्दन पे? वाह वाह, एक नंबर का. हां गर्दन पे भी लिखवा दिया. ऐसी लड़की पटेगी तेरे. ये लड़की बताने की थोड़ी लिए, मैं कबड्डी से लाइक करता हूँ. कबड्डी का जबरदस्त 1100 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का टूर्नामेंट नहीं छोड़ता. बहुत खेलता. राइट. पिछले साल का प्रो कबड्डी बहुत चला. थोड़े फेमस हो गए हैं सब, तो उसका कुछ फर्क पड़ा इनको? ये कहीं भी हो, जैसे कि टीवी में कैमरे के सामने हो या 5-star होटल में हो, मतलब ये देसी रहता है. बिल्कुल फेक नहीं है. फेक नहीं है, बिल्कुल रियल. वही इतना देसी है, मतलब फेसबुक चलाता है इंग्लिश आ गई तो ऐसे हो गए जैसे रोमिंग आ गए. मैं इसकी फेसबुक चेक कर रहा तो ये बोला यार इसमें लिखना इसका जवाब कुछ. बोला लिख दे बिजी हूँ. तो मैं लिख दिया UXY बिजी हूँ. अरे ये क्यों लिख रहा? बस मैं हूँ.
तो कोई इनकी ऐसी आदतें जो टीम वालों को भी नहीं पता? टीम वालों के क्या, कभी एसी तो ऑन होता ही नहीं है रूम का। अच्छा, ये भी पसीने में, मैं भी पसीने में। क्यों एसी क्यों नहीं ऑन होता? दरगाह में लाइट आती है। आज गलत पड़ गई। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाता तो रात को कह रहा हूं किसका मैसेज भाई, पता मेरे को किसके मैसेज आते हैं लेकिन आते जरूर। कभी जमीन में सो जाते हैं यार, पीठ पीठ से बड़ा कुत्ते वाला। क्यों करते हैं ऐसा? For your back. मजा आता है मस्ती में। मौज मस्ती तो बहुत होगी। बिल्कुल। अब देख ले रणवीर को क्या सिखाया थोड़ा कबड्डी में। हाँ जी हाँ बिल्कुल। अपने तरीके का कुछ सिखाया डिफेंडिंग में? बिल्कुल। ये लो ये पहनो किट हमारी और तैयार हो जाओ। थैंक यू सो मच यार, ये तो मजा आ गया। अब तो प्रेशर बढ़ गया है। दिस टाइम द चैलेंज वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तीन डिफेंडर्स थे और हमारे ऊपर रेड पड़ने वाली थी। अनूप हु इज अ स्टार रेडर, वो आए और सबको पता है कि वो टो टच करते हैं। जैसे ही मैंने अपना पैर हटा के दोबारा रखा, टो टच हुआ और मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। जब आपको पता है कि आपको टो टच होने वाला है, उसके बावजूद भी अगर हो जाए, इट्स अमेजिंग। एक टच हुआ मुझे एंड मैं नहीं पकड़ पाया। जब रणजी भाई ने उसको नहीं पकड़ा तो मुझे बुरा लगा। प्रदीप बोनस का बहुत माहिर है। लालची बोनस लेके जाता है। हाँ। कैसे पकड़ूंगा इनको? कुछ भी अगर तब वो बोनस करता है ना, तब इसको पकड़ना है। ऐसे वैसे रहने दे, छेड़ना नहीं, उसको जाने दो खाली। ठीक है, a great feeling कि finally जो मैंने आज सीखा है वो मैंने किया and as a team we really like enjoyed that moment। जैसे आके जाएगा step पीछे रखते हैं या आपको एक step बाहर निकलना है, उसने step वापस ना अपने पीठ पकड़ना है और इधर की तरफ अरे इधर की तरफ। ठीक है, उसमें आप help कर देना अगर by chance। पकड़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने बताया तो उसी तरह उसने उसको टैकल किया, अच्छा किया। मुझे लगता है जैसे उन्होंने आज परफॉर्म किया एक दिन की कोचिंग के बाद, बहुत अच्छा किया। और अगर वो कबड्डी खेलेंगे तो शायद जल्दी सीख जाएंगे सब कुछ। उसको खुशी होती है जो सिखाता है, और जो मैंने उसको सिखाया था तो उसने परफेक्ट करके दिखाया मुझे। अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं बेस्ट प्रोफेशनल से, जो दिग्गज लोग हैं स्पोर्ट के, उनसे उनके पैंतरे सीख रहा हूँ। आई एम रियली लाइक एंजॉयिंग दिस ग्रेट डे। आई एम गोना सी यू गाइस डे आफ्टर विद अनदर टीम, विद अनदर स्टार कबड्डी प्लेयर। कीप वॉचिंग हॉटस्टार।